कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा था एंड यूज करते करते मेरे सामने ये आईडी आई, तो मैं चेक करने लग गया इस आईडी को। मैंने जब इसको ओपन करके देखा तो ये एक ब्यूटीफुल लेडी की आईडी थी, तो मैं इसकी पिक्चर्स चेक करने लग गया। दिन बीतते गए एंड मैं इसकी पिक्चर को देखने में दीवाना होता गया। मैं साथ ही साथ इसकी पिक्चर को लाइक भी करता गया। प्यार में इतना पागल हो गया कि एक दिन मैं उसको फॉलो भी कर लिया एंड हमेशा की तरह मैं रेगुलर इसकी पोस्टें चेक करता एंड इनको लाइक करता, मानो कि जैसे मैं इसके प्यार में अंधा हो गया था। बट एक दिन जो मेरे साथ हुआ वो सुनकर आप भी बोलेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। उस दिन के बाद मैं एकदम बेचैन हो गया कि मैंने बोला कि ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये जो आप आईडी देख रहे हो, ये रियल में इंसान नहीं है, ये कोई वुमेन नहीं है, ये बल्कि इस दुनिया में है ही नहीं, ये किसी भी दुनिया में नहीं है व्यूअर। बट आप लोग बोलोगे भाई ये आप क्या कह रहे हो, तो मैं आपको बताऊं ये AI इन्फ्लुएंसर है। हाँ इसके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, बट ये AI इन्फ्लुएंसर है एंड इसका फेस भी एक है, फिगर भी है, सब कुछ है के एंड इसकी जो इमेजेस है वो भी अलग अलग लोकेशन के, तो फिर AI इन्फ्लुएंसर कैसे हो सकती है। अगर ये AI इन्फ्लुएंसर है तो उसके 1.5 लाख फॉलोवर्स कैसे हैं, इसका चैनल वेरीफाई कैसे एंड ये मंथली हजारों डॉलर अर्न किस तरह कर रही है। भाई ये भी मतलब कि ये सब सोचते सोचते मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया था एंड उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई AI इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल है। ये क्या बल्कि इस टाइप की बहुत ज़्यादा आईडी इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है व्यूअर। तो उसके बाद मेरा दिल तो टूट गया बट फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मैंने कहा अगर इसी तरह हम अपना AI इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर वायरल कर सकते हैं तो फिर हम क्यों अपनी वीडियोस अपने पिक अपलोड करके वैसे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम अपनी AI की वीडियोस, AI की पिक्चर, सब कुछ AI के बना के इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पर इसकी रील्स भी हैं जो कि अभी मेरा देखने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। इसमें अच्छे से व्यूज़ हैं, लाइक हैं, भाई यहाँ पर तो मिलियन में व्यूज़ आए हैं मेरे व्यूअर। तो अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि हम अपना AI इन्फ्लुएंसर बना कैसे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने चले आना है अपने किसी भी
एंड उसके बाद मुझे चाहिए कि उसके ग्लासेस भी लगे हों, ग्लासेस ठीक है। एंड उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट है वो मैं यही रहने देता हूँ, बट बीच में मैं एक दो और ऑन कर देता हूँ, जैसे कि मुझे कार्टून नहीं चाहिए ठीक है। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर बेड टीट नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। एंड उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर सिंपली नीचे आपने चले आना है, यहाँ पर आपने जनरेट पर क्लिक कर देना है। एंड थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि हमें किस टाइप की इमेज जनरेट करके देते हैं व्यूअर्स। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारा सीट नंबर है ये क्या होता है व्यूअर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने हमें एक इमेज जनरेट करके दे दी है, बैकग्राउंड में कैफे कमीज सलवार है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मतलब के फेक लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा वर्क स्पेस में चला जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक और लिख लेता हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ बेस्ट क्वालिटी से पहले मुझे ये चाहिए अल्ट्रा रियलिस्टिक। एंड उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स मुझे जो नहीं चाहिए कार्टून के अलावा मुझे ये, मैंने यहाँ पर कार्टून लिखा था ना जो कि मुझे नहीं चाहिए, बट वो कहाँ चला गया, शायद वो मैंने ऊपर लिखा हो। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ मुझे कार्टून नहीं चाहिए। एंड उसी के साथ मुझे ये फेक नहीं लगना चाहिए, ये मुझे रियल लगना चाहिए। एंड दोबारा से यहाँ पर से मैं जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ, मुझे फेस ये चाहिए व्यूअर्स। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फेस चेंज करना है तो अब आप जाओगे सीधा सीड में। एंड सीड में आप अपनी मर्जी से कोई भी छह वर्ड लिख लोगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 या जो भी आपका दिल करे आप वहां पर लिखोगे तो उससे फेस चेंज हो जाएगा। आप बार बार सीट नंबर चेंज करते जाओगे, बार बार आपका फेस चेंज होता जाएगा। जो फेस भी आपको पसंद आए आपने वो सीट नंबर याद रखना है, नेक्स्ट टाइम आपने सीधा वही सीट नंबर यहाँ पर अपलोड करना है, आपको उसी फेस में अलग अलग पिक्चर अलग अलग लोकेशन पे मिलती जाएंगी, फेस चेंज नहीं होगा अगर आपने सीट नंबर जब तक चेंज नहीं किया तो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि सीट नंबर क्या है व्यूअर्स, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से वेट करते हैं एंड देखते हैं कि अब ये हमें किस टाइप की इमेज जनरेट करके देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने से भी थोड़ी डिटेलिंग एड कर अच्छी से अच्छी इमेज जनरेट कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत लगती है। आप ये देखो व्यूअर्स कि यहाँ पर एक और इमेज मुझे मिल चुकी है एंड ये जो बैकग्राउंड में दो आपको बंदे नजर आ रहे हैं तो ये इमेज बिल्कुल एकदम रियल लग रही है। यहाँ पर थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है तो वहाँ पर आप थोड़ी ब्राइटनेस कम लिख लो, मतलब कि जैसे कि आप वो नेगेटिव प्रॉब्लम लिख लो कि लो ब्राइटनेस, ठीक है, मतलब कि हैवी ब्राइटनेस, तो ये ब्राइटनेस लो हो जाएगी बट ये एकदम रियल लग रहा है। आप ये देख सकते हो कि भाई मतलब कि जो बैकग्राउंड में बंदे हैं दो जो पाकिस्तानी कमीज सलवार में, भाई ये इतने बाजू भी ऊपर चढ़ाए हुए तो ये बिल्कुल रियल लग रहा है। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर इमेज जनरेट कर सकते हो। ये दोनों फेस एक हैं, दोनों कपड़े भी एक हैं, मैं इसके कपड़े भी चेंज करवा सकता हूँ, मैं इसका फेस भी चेंज करवा सकता हूँ, जो मेरा दिल करे वो मैं यहाँ पर से कर सकता हूँ। एंड उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर से इसको डाउनलोड करना है, कोई चार्जेस नहीं है व्यूअर्स, कुछ भी नहीं है, आपने बस आप एक अच्छा सा इंस्टाग्राम की आईडी बनानी है, ठीक है। एंड यहाँ वहाँ पर आपने रेगुलर 2 या 3 ये पोस्टें अपलोड करते जाने हैं तो आपका बहुत जल्दी चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि वैसी बैच का एक ही चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। मैं भी माइंड बना रहा हूँ कि मैं भी इस टाइप का इंस्टाग्राम पे आईडी बनाऊ, आप लोग भी बनाओ और महीने के लाखों कमाओ व्यूअर्स। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये बात समझ आई हो, आपका अगर मेरी वीडियो से कुछ भी प्रॉफिट हो तो आप मुझे भी प्रॉफिट दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।